किसान हित में कानून लेकर आए थे और देश हित में वापसी ले रहे। ना ये तीनों कानून किसान के हित में थे, निश्चित ये देश सभी का है। देश में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो देश के किसान का है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नई शुरुआत करते हैं। देश का किसान भी कह रहा है कि भाई एक आपने सकारात्मक पहल करी, ठीक बात है, अपना आपने ये कानून वापसी ले लिया, क्योंकि कॉरपोरेट्स के लिए कानून बने थे। किसान का एक सुधार का कानून भी, सुधार का नाम भी इसमें नहीं है। हम या किस मतलब पूरा किसान बिरादरी, हम ना बाजार भाव की बात अभी कर रहे, ना हम ये कह रहे कि भाई हमें मूल्य सूचकांक जिस तेजी में और वस्तुओं के रेट बढ़ रहे, चाहे उसमें जरूरत मारने वाली सारी चीजें हों, पेट्रोल डीजल से लेकर सीमेंट ईंट सरिया सब चीजों को लेकर जिस तेजी से उसके रेट बढ़ रहे, ना हमने उसकी बात करी। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार के द्वारा तय है उस पर एक गारंटी दायरे में हमारी फसलें आवे, इससे नीचे हमारी फसल ना बिके, वो हमारा हक है। और इस हक को लेकर ये आंदोलन जारी रहेगा। 750 किसान मूवमेंट के दौरान शहीद हुए हैं, वो उनके परिवारों की क्या स्थिति है, वो सारी चीज़ें मुआवजे संबंधित चीज़ें हैं वो देखें। इसी तरीके से और भी जो स्टेट वाइज अलग अलग जो प्रॉब्लम है, जैसे उत्तर प्रदेश की गन्ने किसान की होगी, बिजली के रेट सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, हरियाणा की समस्याएं अलग हैं, इसी तरीके से पंजाब, मतलब हर स्टेट की अलग अलग समस्याएं हैं। वार्ता का दरवाजा खोल लें और अच्छे मूड में, जिसमें सिर में तोड़िया ना हो, ना संयुक्त मोर्चे के नेता के मैं हूँ ना फिर सरकार के हूँ, और बातचीत का रास्ता खोल के, जब उन्होंने कहा कि नई शुरुआत करते हैं तो नई शुरुआत MSP की गारंटी से एक शुरुआत हो, अच्छे माहौल में एक सकारात्मक पहल अब शुरुआत होनी चाहिए। देश सबका है, निश्चित राष्ट्र जब मजबूत होगा, जब देश का किसान मजबूत होगा। यही आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में है। एक साल कल हो जाएगा, 26 तारीख को अपने अपने बॉर्डर पे ज्यादा से ज्यादा किसान वहां पहुंचेंगे, और जो कार्यक्रम, क्योंकि अगले दिन फिर 27 तारीख को संयुक्त मोर्चे की जो नेता हैं उनकी बैठक होगी, 29 तारीख का जो कार्यक्रम है वो इसी तरीके से जारी रहेंगे, जो बिल्कुल कैबिनेट में तीन